निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। रसूलपुर के प्रेम नगर का है। यहां रहने वाली 17 साल की किशोरी स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा थी। स्कूल से लौटते समय शोहदों ने उसे छेड़खानी की, जिसका उसने विरोध करते हुए करारा जवाब दिया था। इससे बौखलाए शोहदों ने घर में घुसकर छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गई। पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर दबिश देना शुरू कर दिया है। मोहल्ला लगता है, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, यीशु नाम है उसका, यीशु चक, उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इसमें जो लड़की है, मृतका है, उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं, जिसका उन्होंने नाम भी बताया है, 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है। और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं, तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे और इसमें 3 टीमें बनाई गई है जो कि जो इसमें अभियुक्त बता रहे हैं उनकी तलाशी के लिए। और मुकेश बघेल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरह से देखा जाए छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को गोली मारकर उसकी हत्या की गई, ये मामला सामने आया, फिलहाल इस पर आपके पास क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? बिल्कुल अनन्या जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुक्रवार की देर रात को जो 11वीं क्लास की ये छात्रा है जो अपने घर में सो रही थी, इसके पिता का साफ तौर पर कहना है कि कल ये दिन में कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, जिसका उसने घर आके शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने शिकायत का संज्ञान लिया था और पुलिस के पास भी गए थे। लेकिन जिस तरीके से देर रात में तीनों मनचले घर में घुसकर बालिका की हत्या करके गए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था को साफ तौर पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके की घटना। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया है? बिल्कुल, पुलिस ने अभी एक आरोपी बताया जा रहा है कि एक मुख्य आरोपी जो पिता ने नामजद किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 3 टीमें लगाई गई है जिसमें अन्य 2 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है पुलिस के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी, पुलिस छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या करने का ये मामला सामने आया है।